मुझे वो ये गिफ्ट कर दो प्लीज। हां बोलता भाई का मुझे जो उन्होंने स्पेशली उनके लिए बनवाया था। ये वैसे भी इसकी हाइट से भी ज्यादा है, देख लो यहां से भी। अस्सलाम वालेकुम, तो गाइज आप सबका स्वागत है मेरे इस न्यू व्लॉग पे। तो गाइज जैसे आपको पता है कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं अपनी इंटर्नशिप खत्म होकर अपने कॉलेज में वापस आ चुका हूँ, तो मैंने सोचा कुछ अच्छी चीज़ें स्टार्ट की जाए। तो मुझे पता था कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो है आगरा फोर्ट। मैं आया हूँ आगरा फोर्ट में, यू कैन सी एंट्री ले ली है, वो नॉर्मली है, वहाँ पे आपको पार्किंग स्लॉट भी मिल जाएगा, टिकट आपको 50 पड़ेगा, नॉर्मली आप ले सकते हो फिर एंट्री कर सकते हो। और काफ़ी फैसिलिटीज़ भी हैं, वाटर की है, टॉयलेट्स की, हर एक चीज़ की, लेडीज़ के लिए भी, चिल्ड्रन के लिए भी। तो आज मेरा साथ देने भी आई है मेरी एक फ्रेंड सूरत, ये मेरी बैचमेट है सूरत, आइए। तो हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट, हर एक चीज़ बताऊंगा जो फुल स्टेप बाय स्टेप। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलो दीवाने आम में, एज यू कैन सी बिहाइंड मी, बट यहाँ का जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जिन्होंने यहाँ मेंटेन करके रखा है ना गार्डन साथ में, उसकी वजह से और ही अच्छा लग रहा है दीवाने आम। और यहाँ पर आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि बादशाह बैठता है, उसके सामने आवाम होती है और काफ़ी चीज़ें डिस्कस होती हैं, पॉलिटिकल फाइनेंशियली जो भी चीज़ें उनको डिसीजन लेने होते हैं। और यहाँ पे सामने आपको दो चीज़ें दिख जाएंगी, दिस थिंग एंड दिस। यहाँ पे तोफ भी काफ़ी अच्छी है और उसके पीछे जस्ट सामने दीवाने आम। तो यार इन यहाँ से देखो, अब टोटली अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो दिस द मेन सेंटर, यहाँ पर राजा बैठता था और बाकी यहाँ पर बाकी लोग। यहाँ से देखो कितना अच्छा व्यू लग रहा है, टोटली वो था दीवाने आम के लेफ्ट साइड। हाँ लेफ्ट साइड से हमने एंट्री ली ऊपर सेकंड फ्लोर पे। और यहाँ से देखो, और यहाँ से सबसे आपको वन ऑफ द बेस्ट स्पेशल चीज़ देखो, ताजमहल का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, वो मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको। आ गया हूँ नगीना मस्जिद के अंदर, यू कैन सी इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ मार्बल्स, ये शाहजहाँ ने बनवाई थी प्राइवेट मास्क लेडीज़ के लिए। और यहाँ अंदर का भी रास्ता है वो मैं दिखा दूंगा, जहाँ से लेडीज़ आती थी प्राइवेटली और अपनी नमाज यहाँ पर पढ़ के चले जाते थे। और उसके अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ है, देख लो दिस सिस्टम, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, वाटर ऊपर से आएगा और यहाँ से सर्कुलेट होके फुहारे में जाके पूरे मास्क में रहेगा, ताकि एक अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन रहे इस मास्क का। और ये पूरा मार्बल का बना हुआ है और ये शाहजहाँ ने बनवाया था। और यहाँ से आओगे इसके जस्ट साइड, दिस इज़ द एंट्री, जहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। उसके साथ ही आप लोग देखोगे यहाँ एक दूसरा रास्ता है, जहाँ से लेडीज आती थी और अपनी नमाज अदा करके यहाँ से वापस, अदा मीन्स अपना टाइम जो नमाज प्रे करने के बाद वापस यहाँ से चली जाती। पे आप देख सकते हो यहाँ वाटर सिस्टम है अंदर, उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भी है शाही हमाम, जिससे पूरा पानी सर्कुलेट होके यहाँ पे, अगर आप आओगे लाइंस बाय लाइन बाहर की तरफ पूरा सर्कुलेट होता था हर एक रूम में शाही हमाम के थ्रू विंटर्स में, ताकि गर्मी रहे अंदर पैलेस में। तो गाइस आप जैसा कि आप देख सकते हो कि वहाँ से ताजमहल तक खूबसूरत लग रहा है। तो ये मेरे फ्रेंड की नाकाम कोशिश ब्लॉगिंग करने की बात बहुत अच्छी की इसने, कमेंट्स में बता देना कौन अच्छी करता है, मैं या मेरी फ्रेंड, ठीक है। और यहाँ से ये बता रही थी कि ताजमहल का व्यू टोटली अच्छा लग रहा है, देख लो आप, और भी काफ़ी अच्छा एरिया आपको दिख जाएगा और उसके बीच में हमारा ताज महल, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से भी आपको दिख जाएगा दीवाने खास। वो जो नीचे दिखाया था आपको मेरे फसल दीवाने आम था, जहाँ पर पब्लिक भी आ सकती थी, बट यहाँ पर दीवाने खास, राजा खास लोगों से अपने वजीरों से बहल के चीज़ें डिस्कस करते थे, ये है दीवाने खास, जो भी चीज़ें डिस्कस करते थे वहाँ पे आवाम के लिए था, कि आवाम आके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती है, राजा को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है, राजा से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है। लेकिन यहाँ पे वो अपने वजीर्स के साथ डिस्कस करते थे हर एक चीज़ एट दैट टाइम, फाइनेंशियली क्या करना है, हर एक चीज़ जो भी होती थी दैट टाइम, जंग में कैसे काम क्या करना है, वो सब यहाँ होता था डिस्कशन। यहाँ पे देखो ये मीना मस्जिद है, जहाँ पे शाहजहाँ ने खुद अपने लिए पर्सनली बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, इंट्री सेक्शन मीना मस्जिद का, मस्मान बुर्ज, जहाँ पे शाहजहाँ को कैद भी किया गया था। ये काफ़ी बड़ा एरिया है रेड फोर्ट का, जहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे यहाँ से देख सकते हो जाना अलाउड नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ स्टोन्स हैं जो लोगों ने कुछ निकाल भी लिए हैं, अच्छी चीज़ें कुछ बचे हुए हैं, दैट इज़ वाई यहाँ से एंट्री अलाउड भी नहीं है। और यहाँ पर अकबर ने यह बनवाया था स्पेशली वर्कशिप, अपने वर्कशिप के लिए वो यहाँ पे आके वर्कशिप किया कर, बाकी पोर्शन रहा वहाँ पे। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो पूरा कवर किया हुआ है रेड फोर्ट का। और यहाँ से आप लोग देखो मेन प्लेस, दिस जो मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, ये सिस्टम पानी आने के बाद डायरेक्ट इसमें जाएगा, ये फुलफिल होने के बाद नीचे जो आपको देख रहा है ये फिल होगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इससे डायरेक्ट आपको वहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा, उससे पूरे
पैलेस में सर्कुलेट होगा। ताज सामने है, बिल्कुल जो हवा आ रही है ना वो बहुत अच्छी है। यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे, यहाँ पे उस टाइम के गार्ड्स वगैरह होते थे नाइट में, सूरज भी एक गाइड है देख लो, इसकी हाइट बहुत छोटी है। पागलपन से बाहर आओगे, यहाँ से देखो, यहाँ काफी छोटी विंडोज हैं, यहाँ से डायरेक्ट ताज दिखता है और यहाँ पे लोग फोटो कैप्चर करते हैं। मतलब काफी अच्छी चीजें भी हैं यार, जो आप पर्सनली जो शूट नहीं भी हो सकती, क्योंकि है ना कुछ चीजें आप सामने से देख के, आर्किटेक्ट ऐसा है जो आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा। वाटर सिस्टम जो यहाँ पे सर्कुलेट हुआ है, शाही हमाम का, बाकी चीजें बहुत सारी चीजें, यू कैन कम हेयर और अपने रूम्स का अंदर में जाके आप देखोगे जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं पूरे एरिया में। वो मैं अगर पॉइंट बाई पॉइंट दिखाऊंगा तो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, बट मैं चाहता नहीं हूँ। तो आप लोग खुद आओ, आपके लिए भी कुछ रहे तो आप लोग आके एंजॉय करो और बाकी देखो, इट्स रियली ऑसम। पोर्शन से बाहर आने के बाद ये जो आपको पूरा पोर्शन जो दिख रहा है, ये जोधा बाई के लिए बनाया गया था अकबर ने, उसमें जो काफ़ी आर्किटेक्ट वगैरह है ना वो उन्हीं की एज पर डिमांड जो उनके बीच में मतलब कंडीशन रखी गई थी शादी के बाद, वो यहाँ पे सारी फुलफिल की थी अकबर ने। आप लोग देख सकते हो टोटली हर एक चीज। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं तो अकबर ने जोधा भाई के लिए बहुत सारी चीजें बनवाई थी। तो ये है उनका जोधा भाई का मंदिर जो उन्होंने स्पेशली उनके लिए बनवाया था। मेरे फ्रेंड ने आपको बता दिया कि ये वो मंदिर है जो अकबर ने बनवाया था जोधा भाई के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी उनकी मूर्तियां थी वो यहाँ पे रखी जाती थी, और यहाँ पे उनका मंदिर था जोधा भाई का, जो अकबर ने, उनकी डिमांड भी थी कि मुझे पैलेस में सेपरेट अपना मंदिर चाहिए, तो वो यहाँ पे उन्होंने उनके लिए बनवाया था। और इसके पीछे जस्ट देखोगे आप तो उनके रूम्स भी हैं, वो भी मैं दिखा देता, बट वहाँ पे अब अलाउड नहीं है कुछ भी, फोटोग्राफी क्या जाने नहीं देते किसी को। दैट इज़ वाई जो मैंने आपको जोधा भाई का मंदिर, उनका महल दिखा दिया, उसके बाहर ही ये वाला जो पोर्शन है ये है जहांगीर का महल, और उस यहाँ पे एंड होता है रेड फोर्ट का जो अंदर वाला एरिया है वो एंड, हमने वहाँ से एंट्री ली थी, उस वाले एरिया से एंट्री लेके डायरेक्ट आपको दीवाने आम से लेके दीवाने खास, मीना मस्जिद, हर एक चीज़ दिखा के ऊपर से इनके जो रूम्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वरना मैं वो भी दिखा देता। आपको लास्ट पे एक और स्पेशल चीज़ दिखानी है, वो रही ये सामने है, उसको नज़दीक से देखते हैं। ये वो आप देख सकते हो जहांगीर का बाथ टब जो मैंने आपको बताया था, एंड में बताऊंगा। तो गाइज ये गिफ्ट किया गया था उसके मामा ने, मान सिंह ने, जो जोधा भाई का भाई भी था, उन्होंने भांजे को गिफ्ट किया था ये, और ये सिंगल स्टोन से बना हुआ है। आप खुद ही इमेजिन कर लो कि कितने बड़े पत्थर को उन्होंने तराश के मतलब कटिंग वगैरह करके इसको इसमें कन्वर्ट किया ताकि एक बाथिंग टब बन सके। इसमें तीन स्टेयर्स बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ है। जहांगीर को गिफ्ट किया था उसके मामा ने, ठीक है, मान सिंह ने अपने भांजे को गिफ्ट किया था। मुझे कोई ये गिफ्ट कर दो प्लीज। हाँ इसको गिफ्ट कर दो, इसी में डूब जाएगी पूरी। वैसे भी इसकी हाइट से भी ज्यादा है, देख लो यहाँ से भी। मेरी फ्रेंड आप लोगों से कुछ कहना चाहती है। सो गाइस, जैसा कि आपने इतनी मेहनत करी वीडियो बनाने के लिए, ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा, तो बिल्कुल आप लाइक कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। जो मेरी फ्रेंड ने बोला है इसकी बात मान लेना, ये भी मानते हो तो इसकी भी मान लेना। तो गाइज आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।